हेलो स्टूडेंट दिस इज द चैप्टर नाइन ऑफ हिस्ट्री नेम इज वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द अप्रीवमेंट ऑफ वुमेन स्टेटस सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती एंड ज्योतिबा फूले एंड अदर्स सोशल रिफॉर्मर्स मीन्स इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्मर्स में यानी स्टेटस ऑफ वुमेन कास्ट डिविजन as well as we discuss about the work of the different social reformer for reform of indian society then let us start a student we know that the, from historic times the indian society a division of class and caste and other than the caste state, there was a culture divided between men and women while today in our country the constitution grant us equal status of right and it was not so during the colonial time let us see this chapter how our society was divided and what reform in ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स कहने का मतलब देखा जाए तो हिस्टोरिकल टाइम्स से ही हमारी सोसाइटी क्या है कास्ट uh, में डिवाइजन है यानी डिफरेंट कास्ट है एक ग्रुप बना हुआ है डिफरेंट ग्रुप और देखा जाए वुमेन की स्टेटस भी उतनी बहुत अच्छी नहीं थी पर आज के टाइम में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक राइट दिया है फंडामेंटल राइट और जिसको राइट टू इक्वलिटी के अंडर में हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में सब लोग इक्वल है पर ये जो इक्वलिटी है ये जो सिचुएशन है ये पहले नहीं था यानी देखा जाए तो स्पेशली ब्रिटिश टाइम में तो ब्रिटिश टाइम में जो कॉलोनियल टाइम जिसको हम लोग कह रहे हैं उस टाइम में देखा जाए तो वुमेन की सिचुएशन क्या थी कास्ट सिस्टम क्या सिचुएशन था और इसको कैसे चेंज किया गया उसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ कौन कौन पर्सन थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया स्पेशली वुमेन्स एंड कास्ट रिफॉर्म्स में तो वन बाय वन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ वी डिस्कस अबाउट द कास्ट डिविजन दे द कॉलोनियल पीरियड और इवन अर्लियर

work yeah otherwise there they were they the growing leap and the bound due to lack of education increasing economic disparity and division of the have the have not as well as we generally found in this uh, indian society the lack of education lack of knowledge and economic अनिक्वालिटी यानी देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की कमी थी इकोनॉमिक कंडीशन भी एक तरह से इक्वल नहीं था कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा राइट थे तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल राइट नहीं थे द ऑरिजिनल द ऑरिजिनल इंडियन स्क्रिप्चर में प्रोफेशन बट द सोशल सिस्टम कॉन्वेंटेड देम एज क्लास ऑन द बेस ऑफ बर्थ यानी जो हमारी सोसाइटी को बनाने वाले थे जो अर्लिएस्ट टाइम में हमारी सोसाइटी को फॉर्मर या फॉर्म करने वाले थे उन्होंने एक तरह से जो सोसाइटी का डिवीजन हुआ वो प्रोफेशन के बेस पर किया यानी जिनका जैसा वर्क था उस हिसाब से उसका ग्रुप बनाया गया और जिसको कि हम लोग फोर वर्ना के नाम से जानते हैं जिसको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र बट ये जो डिवीजन था आगे जाके किस में चेंज हो जाता है ऑन द बेस ऑफ बर्थ जैसे दे रहा है दिस मेड सीरियस डिविजन इन द सोसाइटी एंड पीपुलट ह्यूमन बींग फ्यूचर में जाके जो सोशल डिविजन होता है वो उनके प्रोफेशन बेस पर ना होकर उनके बर्थ के बेस पर हो जाता है बर्थ स्टिल दिस कॉल्ड हायर क्लासेस स्टार्टेड इल ट्रीटिंग एंड द सप्रिशिंग ऑफ ऑर्डर वाई देंडलिंग देयर Growth and development, and this also led to the uh, discrimination in society, especially in the higher class, also treat bad with the lower classes, and this also created problem for the lower class people for their development also. आगे दे रहे थे इन एडिशन टू दिस क्लासेस डिवाइडेड बाय द मींस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेयर इन वुमेन वेयर कंसीडर्ड इन एंड द एडिंगली ट्रीटेड विथ बेस यानी देखा जाए तो यहाँ पर वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट होता है यानी जो आपका कास्ट डिवीजन था जो प्रोफेशन के बेस पर था पर आगे जाके बर्थ के बेस पर हो गया और ये आगे जाके इसको ही लीड करता है वुमेन जो स्टेटस है वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है जिसको स्पेशली हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ये स्टार्ट हो जाता है जैसे देर है द मेनी लर्न पीपुल थिंकर फिलोसफर एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट टू अपॉन वॉप टू लीड ए क्रूसेड अगेंस्ट द सोशल इविज एंड दैट्स वाई स्पेशली इन द ब्रिटिश टाइम द मेनी सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स एजुकेशनिस्ट जस्ट लाइक इज द नेम ऑफ़ दाम मोहन राय नो दैट दे दे स्टार्टेड वार दी ऑफ़ दैटेंस्ट टाइप ऑफ द सोशल इवेंट्स इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो क्रूसेड मीन्स द वार अगेंस्ट द सोशल इवेंट यानी एक वर्ड यहाँ पर दे रहे हैं क्रूसेट जिसका मीन्स होता है जो सोशल इवेंट्स है उसके अगेंस्ट वार जैसे कि मैंने फिर से कह रहा हूं कि जो कि एजुकेशनिस्ट थे फिलोसोफर थे उन्होंने एक तरह से सोशल रिफॉर्मिंग के लिए सोशल uh, इवेंट जो बुराइयां थी उसको अगेंस्ट uh, एक मूवमेंट स्टार्ट किए जैसे कि हम लोगों ने कास्ट डिवीज़न को देखा सेम लाइक इज वी डिस्कस अबाउट द उमेन अप्लिपमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ जस्ट लाइक इज द ए पैराग्राफ द वुमेन अपलिपमेंट

यश नहीं किया कि सेंचुरी सी है यानी सैकड़ों पहली पहले की हम बात करते हैं तो वुमेन की स्टेटस जो आज है वो नहीं था वुमेन की जो कंडीशन थी वो लोअर थी जो मेन के कंपेयर देन यानी मेन के तुलना में वुमेन का जो स्टेटस या जो पोजीशन था सोसाइटी में वो बहुत ही बहुत ही लो था द वुमेन इन इंडिया हैव नॉट बी द एबल टू द कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज दे कुड हैव टू द डेवलप मैन ऑफ द कंट्री और वुमेन की कंडीशन ऐसी थी कि वो इतने अवेल नहीं थे कि वो जो कंट्री के डेवलपमेंट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो सके दे बे आर ट्रीटेड एज इन्फेरियर एंड डिड नॉट रिसीव सेम केयर द अपर्चुनिटीज एज मैन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ टन प्लेट द रोल ऑफ वुमेन एज वाइफ एंड मदर और वुमेन किस तरह से इन्फेरियर देखा जाता था उनको बहुत ही छोटा समझा जाता था उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके एज कम्पेयर देन मैन ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं यानी हम लोग प्राय यही देखा जाता है कि यही देखा जाता है कि वुमेन एक तरह से वाइफ एंड मदर के रूप में ही देखा जाता है उनको इंडिविजुअली ग्रो करने का या पोजीशन देने की सोसाइटी में कोई बात ही नहीं होती थी दे कूड नॉट फाइड एनी अदर एक्सप्रेशन टू देअर इन बॉड टैलेंट एंड डिजायर एक्सपेक्ट एज हाउस वाइफ यानी उनके पास जो नेचुरल टैलेंट था जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था वो कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे उनको कोई मौका नहीं मिलता था वो एक ऐसा टाइम था जहाँ उमेन को बस उन्हीं चारदीवारी के बीच में ही रहने के लिए मजबूर किया जाता था देर एर फॉर एग्जाम्पल वाइल वुमेन कू डे मैरी ओनली वंस एम हिंदू एंड मैन दर परमिटेड टू हैव मोर देन वाइफ यानी वुमेन को तो एक हिंदू मैन से शादी करने के लिए परमिशन था पर एक हिंदू वन जो था वो एक से ज्यादा शादी कर सकते थे एंड सेम कंडीशन इन मुस्लिम सोसाइटी एम मुस्लिम टू दिस कस्टम ऑफ पोलोगी प्रिवेल्ट और पोलोगी मतलब एक से ज्यादा जो शादियां कर सकते हैं उनको सिस्टम को पोलोगामी कहते हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी में कॉमन था इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वुमेन लीड टू द लाइफ बिहाइंड द पर्दा और पर्दा सिस्टम आप लोग तो जानते ही हैं पर्दा सिस्टम जस्ट लाइक इज द अभी भी जनरली हमको देखने को मिलता है इन बोथ हर सोसाइटी मुस्लिम्स एंड हिंदू द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज ऑल्सो द प्रिवेल्टर अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिज ऑल्सो प्रीवेल्टन दैट टाइम स्पेशली इन द इन बोथ सोसाइटी द हिंदूज एंड मुस्लिम सोसाइटीज एंड दिस ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर वुमेन एज वेल एज द विडो कुड नॉट रीमेरी हैड टू लीड टू रिस्ट्रिक्ट लाइफ और जो वीडो होते थे यानी विधवा होते थे उनको दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं थी उनको बहुत ही एक तरह से हार्स लाइफ जीना पड़ता था and this all such, such type of the social custom social uh, system is create the poor condition of women in indian society कहने का मतलब ये जितने भी जो हमने प्रिवेट जो कि हम लोगों ने सिस्टम या कस्टम को हम लोग डिस्क्राइब किया जैसे पर्दा सिस्टम हो और विडो की कंडीशन हो या चाइल्ड मैरिज हो ये सभी कंडीशन जो था एक तरह से वुमेन के जो कंडीशन था सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और इसके अगेंस्ट में स्पेशली कॉलोनियल टाइम में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर होते हैं एजुकेशनस्ट होते हैं जो कि मूवमेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे नहीं थे कि स्टूडेंट उस समय देखा जाए हमारे एंसियन टाइम में इंडियन सोसाइटी में ऑल वुमेंस की कंडीशन खराब थी कुछ ऐसे भी वुमेंस थे जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में जैसे कुछ नाम हैं रजिया सुल्तान देखा जाए तो रानी जैसे, रानी लक्ष्मी बाई चांद बेबी अहिल्या भाई होलकर एंड अदर्स जो वुमेंस थे इनकी कंडीशन इन्होंने कुछ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया बट डिफरेंट जो सोशल इविल्स से जैसे कि स्पेशली सती सिस्टम हो वीडो की कंडीशन हो या पोलोगेमिंग हो पर्दा सिस्टम हो ये वुमेन की कंडीशन को बहुत ज़्यादा वर्ष करते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और इस कंडीशन को चेंज करने के लिए हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं जो कि वो आगे आते हैं और सोसाइटी के में जो इविल्स है उसके अंगेंस्ट एक वार एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इसी में एक एक सबसे बड़ा नाम होता है राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय वाज ए एडवोकेट ऑफ रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्मर एंड वाज इन द फेवर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडियन रेनेसांस यानी देखा जाए तो राजा राममोहन राय जो थे एक तरह से फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो कि जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो वो जो वुमेन कंडीशन था स्पेशली उनके अगेंस्ट वो सोसाइटी में एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एक तरह से उनको मॉडर्न मैन uh, भी कहा जाता है इंडिया का एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे ही वाज वेल वर्स्ड इन अरबिकसियन संस्कृत इंग्लिश हिब्रू फ्रेंच एंड बंगाली आल्सो बिलीव इन द फिलोसिफी ऑफ द रैशनलिज्मिफिक एंड दोच एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन कहने का मतलब राजा राम मोहन रोहित बहुत ही पढ़े लिखे लोग इंसान थे और वो एक ऐसे पर्सन थे जो कि एक तरह से देखा जाए सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू चेंजिंग लाना चाहते थे ही ऑल्सो

which later came to known as the Brahmo Samaj and the Brahmo Samaj became the important vehicle from the reforming Hindu society by removing several of its social evils। yani unhone Brahmo Samaj banaya hai jiske जिसके, जिसके अंदर में वो जो social reform को start करते especially the against the social evils यानी समाज में जो बुराइयां थी उसके against। He took out the

एक तरह से जो सती सिस्टम के अगेंस्ट वो एडवकेट करते थे और वो लोगो को बताते थे की वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया की एक हस्बैंड uh, के मरने पर उसके पत्नी को साथ में जला दिया जाए ये जो प्रैक्टिस थी उसको इनह्यूमन मानते थे और इसके अगेंस्ट उन्होंने गवर्नमेंट से भी बात की उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके जो हेड थे विलियम बेंटिक्स उन्होंने उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से उन्होंने एक लॉ पास कराया ये लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम इन 1829 और सती सिस्टम इंडिया में एक तरह से बैंड हो जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कंडीशन को आज के दौर में तीन तलाक against the law, we passed by the government. The so same that condition of that time, especially British time and Raja Ram uh, advocate against this system, and that's why the British government pressurised and they also uh, also passed a law against the sati system in 1829. It's the important date and do underline of this line. राजा राममोहन राय वाज इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन ऑल्सो प्लेस इन फेवर ऑफ विडो मैरिज यानी राजा राममोहन ने सती सिस्टम के अगेंस्ट ही उन्होंने बात नहीं की उसके साथ साथ वो तो वुमेन्स की जो एजुकेशन है विडो मैरिज के अगेंस्ट भी उन्होंने ज के लिए भी उन्होंने बात की उनके फेवर में बात की ही क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ द पोलोगामी और पोलोगामी के खिलाफ थे ही डिमांडेड दैट वुमेन मस्ट बी गिवन राइट टू द इनहेरेंट प्रॉपर्टी और उन्होंने एक बहुत बड़ा बात किया कि वुमेन को भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी अपने पिता के जो संपत्ति उस पर राइट बराबर राइट मिलना चाहिए

सर एंड ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो इट्स चीफ पैटर्न यानी देखेंगे तो आगे जाकर उन्होंने जो उनकी सोसाइटी ने डिफरेंट कॉलेज एंड स्कूल्स बनाए स्पेशली वुमेन्स के लिए और इस तरीके से उन्होंने वुमेन्स की जो कंडीशन उसको अपलिप्ट करने का कोशिश किया और हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के कॉन्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन सोसाइटी में स्पेशली रिमूव ऑफ द सती सिस्टम

evil social evils in india then today's video we discuss about the exercise portion also exercise portions mean true false filling the blanks multiple choice question then a student read of this chapter and complete exercise and submit on time then thank you